हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसंस। और आज इस वीडियो में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मुझे मिला है और उसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए भी और मेरे लिए भी, ताकि मैं फ्यूचर में अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बन जाएगा तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ। यहाँ पर मुझे ट्रेड लेने का मौका मिला था। ये निफ्टी का चार्ट है और ये 16 अप्रैल का चार्ट है और ये 15 अप्रैल यानी कि 15 अप्रैल या फिर उससे पहले की ये क्लोजिंग है। शायद 15 अप्रैल की ही है। हाँ, 15 अप्रैल की क्लोजिंग है और ये 16 अप्रैल का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा सिनेरियो दिखा कि बाज़ार में गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ से उसने रिकवर किया। रिकवर करने के बाद ये चला, रेंज बाउंड चला धीरे धीरे धीरे। हालांकि मैं आपका ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा। ऑप्शन चेन में हुआ क्या, सपोर्ट भी स्ट्रांग और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग थे। बाज़ार नीचे गिर नहीं रहा था, जो गिरा था उतना ही लास्ट तक चला था, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी के रेंज में चला। और उसके बाद बाज़ार ऊपर भी नहीं जा रहा था। लेकिन ऐसा बाज़ार, जब बाज़ार गिर भी नहीं रहा है और ऊपर भी नहीं जा रहा है, जो फर्स्ट ओपनिंग में जो गिरा, जो जितना भी 150 200 पॉइंट गिरा था, उसी में से फिर रिकवर हुआ, फिर गिरा, फिर रिकवर हुआ, फिर गिरा, तो यहीं बाज़ार में चला। ये देखिए, रिकवर हुआ, गिरा, रिकवर हुआ, गिरा, इस तरह से यहीं चलता रहा और धीरे 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 बाज़ार नीचे आता रहा। तो एक चीज़ हमको देखने को मिली, ऐसे में हम ट्रेड नहीं पा सकते हैं। पूरे दिन भर मैंने वॉच किया, पूरा चार्ट वॉच किया, लेकिन मुझे ट्रेड नहीं मिला, ट्रेड नहीं मिला। लेकिन मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोट की, बाज़ार धीरे 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 नीचे जा रहा था। पहले तो जैसे ही ओपन हुआ और ओपन होते ही बाज़ार ने एक रिकवरी दिखाई, शानदार रिकवरी, तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास गिरा था। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। 40,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट मुझे मिलने वाला था, आज मैं सिर्फ पेपर ट्रेड में लिया उसको, 40,000 को मैंने रियल ट्रेड में नहीं किया। क्यों पता है? क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें तो पहले दिखी, लेकिन मैं ऑप्शन चेन के साथ में चार्ट को जब मिलाया, तब मुझे ये रिज़ल्ट दिखाई दिया 40,000 प्रॉफिट का। तो तब भी मैंने नहीं लिया इस ट्रेड को, मैंने इस ट्रेड को पेपर ट्रेड करके लिया, पेपर ट्रेड करके लिया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मुझे मिलेगा, हो सकता है मैं उस बार भी पेपर ट्रेड करूं, लेकिन जब मैं मुझे परफेक्ट हो जाऊंगा मैं कि हाँ ये सिनेरियो बनता है, तो उस दिन मैं ज़रूर ट्रेड लूँगा। ठीक है, इसमें हमारे जो ट्रेड लेने की जो ये है, मेरे मेरे खास करके जो मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कि आज कॉल ही लेना है या पुट ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोशिश करते हैं हम लोग कि बाज़ार के ट्रेंडिंग बाज़ार में कॉल लेंगे। अगर बाज़ार ऊपर जा रहा है तो कॉल लेने की कोशिश करेंगे, अगर नीचे जा रहा है तो पुट लेने की कोशिश करते हैं, ज़्यादातर यही कोशिश होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार ऊपर जा रहा है तो कॉल ही लेंगे और बाज़ार नीचे जा रहा है तो पुट ही लेंगे। अगर बाज़ार एक पुट की वैल्यू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि बाज़ार अगर ऊपर जा रहा है तो पुट कितना नीचे गिर सकता है, कितना नीचे गिर सकता है। एक ऐसी लेवल उसमें भी आती है पुट में कि वो उस लेवल से नीचे नहीं गिरता, एक उसका अपना डे लो बनाता है, वो डे का जो लो होता है उसका वो बनता ही बनता है। चाहे फिर बाज़ार नीचे जा रहा है तो फिर कॉल साइड में डे लो बनेगा, कॉल साइड में उसका डे लो बनेगा और उससे नीचे वो नहीं जाएगा। ठीक है, और उसी लो में अगर हम पकड़ पाएंगे उस ट्रेड को, तो हमें अपना अपना ट्रेड मिल जाएगा। मतलब जो हमारा टारगेट है 1% या फिर 2% का, तो वो हमको ज़्यादातर मिलता ही है। ये तो चलो वीडियो से इस सब्जेक्ट के अलावा की बातें हैं, लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली तकरीबन 2:30 बजे के आसपास, तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बाज़ार की डायरेक्शन के बारे में बताऊँगा, वो हमको ऑप्शन चेन में पता चलेगा। ऑप्शन चेन में जाने से पहले मैं आपको इस ट्रेड के बारे में बता ही देता हूँ, तभी हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। ओके, यहाँ पर इस ट्रेड में मैं आपको, ये मैंने उसी दिन की लाइन खींची हुई, ठीक है, ये आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज की नहीं खींची है, क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन से लेवल निकाली थी कि भाई 22,087 या 77 के आसपास मार्केट आएगी और वहाँ से रिवर्स हो जाएगी। वो वहाँ पर आया नहीं और मैंने ट्रेड यहाँ पर लिया नहीं। ठीक है, अगर ये आता तो बहुत तेज़ी से ऊपर चला जाता ये, लेकिन यहीं से वो घुमा और यहाँ से भी तेज ही गया, ये जाना ही था इसने। हालांकि मैंने यहाँ से पेपर ट्रेड लिया, यहाँ पर आता तो मैं रियल ट्रेड ले लेता। ओके चलो, एनीवे, तो यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तकरीबन 2:30 बजे के आसपास से बाज़ार में एक गिरावट शुरू होती है। यहाँ पर देखिए, 2:30 बजे के आसपास ये जो है 2:30 बजे के कैंडल्स है, यहाँ से गिरावट शुरू होती है।
ये जो आप ये छोटे छोटे कैंडल्स देखते हैं ना, ये देखिए ये प्लस टाइप का एक छोटा डोजी बन रहा है ना यहाँ पर, ये एक डोजी है। ये जो कैंडल्स है ना बहुत बड़े इंफॉर्मेटिव कैंडल्स होते हैं, बहुत बड़े। देखिए यहाँ पर भी कहीं पर भी ये बने ना, चाहे टॉप पे बने चाहे बॉटम पे बने, बहुत इंफॉर्मेटिव कैंडल्स होते ही है। इसके बाद भी ये इस तरह का, ये जो ये देखो ट्रैपिंग वाला कैंडल, इसको आप बोल सकते हैं, ये है शायद शूटिंग स्टार है, और ये देखिए हैमर है। तो यहाँ से गिरावट शुरू हो गई, और गिरावट शुरू होते होते तकरीबन तकरीबन 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास से बाज़ार ऊपर चला गया। ये चीज़ हमको पहले ही पता लग गई थी कि ये बाज़ार ऊपर जाने वाला है। तो ऑप्शन चेयर में चलते हैं और वहाँ पर हम इसका एनालिसिस करते हैं कि क्या वाकई में यहीं से घूमने वाला था बाज़ार। तो यहीं से घूमने वाला था तो हमने कैसे उसे पता लगाया, ठीक है। कभी कभी भाई, जो इस वीडियो का मेन मकसद ये है कि बाज़ार में ना कभी कभी ऐसा सीन आता है, जब लास्ट बाज़ार का सीन होता है, बाज़ार दिन भर ऐसे 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 करेगा, लेकिन ये बाज़ार में मान लो 3 बज गए अभी, अभी ये 3 बज गए, और 3 बजे तक बाज़ार जैसे भी पहले किया, ऊपर गया नीचे गया, 3 बजे के बाद अगर मान लो फॉर एग्जांपल रेंज बाउंड गया दिन भर ना, जिस दिन रेंज बाउंड गया, अब मैं तो अगली बार से नोट करूंगा, जिस दिन बाज़ार मान लो कि 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद पूरा दिन भर रेंज बाउंड रहता है ना, तो उस टाइम पे आपको 3 बजे के बाद में ऑप्शन चेन को रीड करना पड़ेगा। 3 बजे के बाद में, जैसे कि यहाँ पर देखिए 2:30 3 बजे या 3 बजे के बाद में ऑप्शन चेन को रीड करना पड़ेगा, और रीड करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। कहीं पर भी ब्रेकआउट आ सकता है, ज़रूरी नहीं ऊपर आएगा नीचे आएगा, कहीं पर भी आएगा, लेकिन रियल ब्रेकआउट आएगा, और वो बताएगी ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन बिल्कुल बताएगी, मतलब ये लगा लो आप, कोई इंडिकेटर काम नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। हालांकि RSI ने हमको यहाँ बता दिया था, इस RSI के बारे में भी बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर RSI ने हालांकि बता दिया था कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, क्योंकि यहाँ से RSI में देखिए एक ये बॉटम बन गया, एक ये बॉटम, और यहाँ पर देखिए इस तरह से ये ट्रेंड बन गया है। आप इस इन लाइंस को जोड़ के यहाँ पर इसके ब्रेकआउट में भी ट्रेड ले सकते हैं, और वो आपका बनता है यहाँ पर, मतलब इस हरे वाले कैंडल पे बनता है, ठीक है। RSI तो मैं ना बहुत इंटरेस्ट के साथ देखता हूँ, यहाँ से बनता है और ये ब्रेकआउट, ठीक है। और आप यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बाज़ार क्लोज हुआ था इस कैंडल के ऊपर, हालांकि ये और ऊपर जाने वाला था लेकिन क्लोज हुआ था, ठीक है, ये RSI भी बताता है। लेकिन ऑप्शन चेन है ना, ऑप्शन चेन के अलावा सच्ची बातें नहीं बताता है कोई। ऑप्शन चेन में मैं आपको लेके चलता हूँ, ध्यान रखिएगा 3 बजे के आसपास ये बाज़ार ऊपर गया था, तो हमको ये चीज़ पहले ही पता लग गई थी, और हमने पेपर ट्रेड में इसका फ़ायदा उठाया। जब कभी कभी बाज़ार दिन भर से रेंज बाउंड रहता है ना, जब दिन भर से बाज़ार रेंज बाउंड रहता है, तो उस पे वॉच करना ज़रूरी होता है, वॉच करना उस पे ज़रूरी होता है कि भाई वो ब्रेकआउट कब देगा, क्योंकि वो रेंज बाउंड है दिन भर से, दिन भर से वो रेंज बाउंड है, और उसके बाद अब उसे ब्रेकआउट करने का टाइम तक हमको ऑप्शन चेन को देखना पड़ेगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, 9:15, ओके। ये वीडियो अगर लंबी होती है, अगर आपको देखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना अधूरी बहुत खतरनाक होती है। पूरी चीज़, पूरी जानकारी अगर आप लेंगे तभी तो कुछ समझ में आएगा, देखिए, है ना। तो वीडियो लंबी है बोल के इसे आप वो मत करिए, फॉरवर्ड मत करिए या फिर स्किप मत करिए, देख लीजिए। मेरा जो अनुभव है, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ बाज़ार में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अनुमानित बातें करना और रियल टाइम बात करना, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए वीडियो आधे घंटे से 40 मिनट तक भी की भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए जैसे मार्केट ओपन होता है, और मार्केट में देखिए इमेजिनरी लाइन है, और इस इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द मार्केट ओपन होता है, और उसके बाद मार्केट में क्या होता है, सपोर्ट वीक टूवर्स बॉटम है, और यहाँ पर सपोर्ट था WTB वीक टूवर्स बॉटम, और रेजिस्टेंस था वीक टूवर्स टॉप। अब ये कैंडल देखिए, पहला वाला कैंडल, ये 1 मिनट का ही कैंडल है हालांकि, तो इसमें देखिए कितनी वोलेटिलिटी है इस कैंडल में। इस कैंडल की वोलेटिलिटी बताती है कि बाज़ार एक डायरेक्शन अभी पकड़ने वाला है इसके बाद में। अगर बिल्कुल ये मतलब है, आप देखिएगा और आपको, आप एक रियल मतलब अनुभव करेंगे तब भी आपको ऐसे होगा। पहले ही कैंडल में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है ना, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो इसमें बाज़ार एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या उस गैप को कवर करने की कोशिश करता है, और उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे ना 9:20 में सीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पर जो सपोर्ट है वो WTB ही है अभी भी, यानी कि 5 मिनट के बाद भी सपोर्ट WTB ही है, लेकिन रेजिस्टेंस WTB हो गया। इसका मतलब यह है कि बाज़ार अब ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यही कहना है।
कि बाज़ार ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर ये लोग भी उठ के भाग गए हैं, ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो इसका कहना भी यह है कि ये लोग समझते हैं कि बाज़ार अब ऊपर नहीं जाएगा तो ये लोग भाग गए हैं, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये तो WTB तो हुआ ही है, तो इससे आपको 5 मिनट के बाद ये संकेत मिलता है कि बाज़ार अभी फ़िलहाल ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, जितना ऊपर गया उतना गया। आगे हम चलेंगे और अभी हम थोड़े लंबे गैप के साथ आगे बढ़ेंगे। अब हम सीधा 10 बजे जाएंगे, 10:20 पे देखते हैं क्या होता है। हमारी जो असली पढ़ाई है वो 2:30 बजे के बाद शुरू होती है, तो हम उससे पहले थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हो क्या रहा था। तो मार्केट शुरू होने से 1 घंटे बाद अभी भी बाज़ार में सपोर्ट है, ये है WTB है, सपोर्ट WTB है, यानी कि सपोर्ट ने अपने आप में डिक्लेयर कर दिया है कि बाज़ार WTB ही है। 1 घंटे से हुआ है, पिछले 1 घंटे से WTB है, तो अभी बाज़ार की ऊपर जाने की गारंटी जो है ये 10:30 बजे के बाद, यानी कि 11:30 बजे के बाद ही उम्मीद आप कर सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा बाज़ार। और यहाँ पर रेजिस्टेंस में भी क्या है कि मजबूती नहीं है, रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रांग नहीं है, कहने का मतलब रेजिस्टेंस इधर भी जा सकता है और रेजिस्टेंस इधर भी जा सकता है, यानी कि बाज़ार में फ़िलहाल ये कंडीशन है कि सपोर्ट अपने आप में मजबूत होने के बाद वो वीक टूवर्स बॉटम है, वीक टूवर्स बॉटम है, जिससे क्या होता है कि बाज़ार इस वीक टूवर्स बॉटम के कारण ही सिर्फ नीचे गिरने की अगर उम्मीद है तो गिर सकता है, ठीक है। नहीं तो वीक सपोर्ट स्ट्रांग होने से क्या है, अगर ये वीक टूवर्स बॉटम नहीं होता तो बाज़ार यकीनन आज ऊपर जाता, क्योंकि यहाँ पर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था सपोर्ट साइड में, रेजिस्टेंस साइड में, क्योंकि सपोर्ट देखिए ना अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर था फिर नीचे आ गया, तो ऐसा मतलब ये रेजिस्टेंस के उसमें क्या है कि कोई फिक्स नहीं है, ये लोग मतलब ये नहीं डिक्लेयर कर पा रहे कि उनका रेजिस्टेंस एक्चुअली कौन से प्राइस पे है, स्ट्राइक प्राइस पे है, लेकिन सपोर्ट अपने आप को बता दिया कि भाई वो 22,000 है और 22,000 से ज़्यादा नीचे नहीं जाने देगा मार्केट को, हालांकि ये वीक टूवर्स बॉटम है, ये आपको खरीदारी का मौका दे रहा है, हमको ये खरीदारी का मौका दे रहा है, ठीक है। हालांकि ये यहाँ तक तो नहीं जाएगा क्योंकि 200 पॉइंट नहीं गिरेगा, इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि ये मजबूत नहीं है, अगर ये वीक टूवर्स बॉटम 1-1.5 घंटे से है और रेजिस्टेंस मजबूत होता तो शायद बाज़ार यहाँ से 200 पॉइंट भी गिरता, क्योंकि यहाँ पर अभी 150 पॉइंट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ है, तो उसको और 200 पॉइंट जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वर्ल्ड की जो कंडीशन है, दुनिया की जो कंडीशन है वो बेकार मतलब अच्छी नहीं है, युद्ध की स्थिति चल रही है, तो ऐसे में गिर सकता है निफ्टी 350 पॉइंट, 400 पॉइंट गिर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये क्या है कि सपोर्ट अपने आप में मजबूत है, हल्का फुल्का वो वीक टूवर्स बॉटम है, और इस रेजिस्टेंस के मजबूत नहीं होने से बाज़ार नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये तो एक क्लियर हो गया कि मतलब ये कहना है कि इसके एक्सटेंशन तक या फिर इस एक्सटेंशन तक जाएगा, एक्सटेंशन तक जाएगा और वहाँ से रिटर्न आने की कोशिश बाज़ार करेगा, ये है। फिर भी हम देखते हैं 22,177 अभी चल रहा है तो कितना नीचे गया है बाज़ार, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 11:30 बजे की बात हम कर रहे थे, यही वो पीरियड है, और थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको बता दूँ तो ये देखिए 11:30 12 बजे के आसपास, देखिए 22,177 का जो लो बता रहे थे ना कि इसके नीचे नहीं जाएगा, फिलहाल उस कंडीशन में नहीं गया है, और यहाँ पर देखिए 22,151 के आसपास बाज़ार था, और बाद में 22,135 वगैरह, 22,168, हाँ मतलब उसी रेंज में यहाँ पर बाज़ार था, जो ऑप्शन चेन में हमको बता रहा था कि भाई 22,177 से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये 22,150 वगैरह आप पकड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उसके 1 घंटे के बाद देखते हैं, 12:30 बजे, ये 10:30 बजे की बात है, ठीक है, 10:30 बजे तो था ही, अब हम 11:30 बजे चेक करते हैं कि 11:30 बजे क्या कंडीशन है। मतलब कुल मिला के बाज़ार धीरे धीरे गिर रहा था, धीरे धीरे इसलिए गिर रहा था, धीरे धीरे गिरने का कारण क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें है ना बहुत समझने वाली है, देखिए धीरे धीरे गिरने का बाज़ार का कारण क्या है, बाज़ार सुबह से वीक टूअर्स सपोर्ट स्ट्रांग और वीक टूअर्स बॉटम हुआ, स्ट्रांग होके वीक टूअर्स बॉटम तो है लेकिन गिरेगा नहीं, सुबह से यह है, 2-3 घंटे हो गए, तो ऐसी कंडीशन में ये गिरना चाहिए, अगर ये स्ट्रांग होता तो, ये स्ट्रांग नहीं होने के कारण ये नहीं गिरा। अब देखिए यहाँ पर ये 10:30 बजे कहाँ था, और अब 1 घंटे के बाद देखिए वीक टूअर्स स्टॉप हो गया है ना, वीक टूअर स्टॉप हो गया, यानी कि इनमें कन्फ्यूजन है, इन ये जो जितने भी राइटर्स हैं ना कॉल साइड में, इनमें कन्फ्यूजन है, ये मतलब इनमें से कोई भी ये नहीं बता पा रहा है कि कोई 22,250 पे रोकेगा या 22,300 पे रोकेगा, 350 पे रोकेगा या फिर 22,500 पे रोकेगा, कोई
कोई नहीं फिक्स बता पा रहा है, लेकिन सपोर्ट के साइड में इनका कहना है कि 22,200 से नीचे हम लोग नहीं जाने दे रहे, लेकिन अभी 22,205 बाजार है और उससे भी थोड़ा सा 50-70 पॉइंट नीचे गया, वो जाएगा एक्सटेंशन तक जाएगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका एक्सटेंशन कितना आता है, 22,182 है ना, तो 22,182 है, अभी 22,205 पे चल रहा है, तो इतना नीचे जाएगा जाएगा। ओके ओके, अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि वीडियो हो रही है ज़्यादा लंबी। जो हमारा जो इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यह है कि 2:30 बजे के बाद हमको क्या ऐसा ऑप्शन चेन में हुआ जो बाज़ार एकदम से ऊपर गया। तो 11 बज गए, फिर हम चलते हैं 12:20 पे, यहाँ पर भी देखेंगे 12:20 हो गया ना, तो यहाँ पर PM करना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कह सकते कि बाजार रहेगा या फिर तेज़ी से ऊपर जाएगा, रेंज बाउंड रहेगा, और रेंज बाउंड में आप मौका देख के बॉटम में ख़रीदारी और टॉप में बिकवाली ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में निफ्टी में अभी भी सिचुएशन वही है। 12:30 बजे बाज़ार को ओपन हुए 3 घंटे हुए हैं और सिचुएशन वही है, रेजिस्टेंस वीक टूवर्स टॉप है और सपोर्ट वीक टूवर्स बॉटम है। अभी यहाँ पर फिक्स नहीं है, ओनली सपोर्ट अपनी एक जगह पे फिक्स है और रेजिस्टेंस में कोई भी गारंटी नहीं है, ये कहीं पर भी जा सकता है। मतलब कुल मिला के ये आप कह सकते हैं कि बाजार जैसे अगर नीचे जाने लगेगा ना, तो वहाँ पर ये खरीदारी का मौका हमको दे रहा है। ओके, बाजार ऊपर तो कितना भी जा सकता है लेकिन नीचे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि इसे रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ खींच रहा है। ओके, और सपोर्ट एक जगह फिक्स होने के कारण बाजार नीचे जाएगा तो या तो इसके एक्सटेंशन तक जाएगा या तो फिर इसके एक्सटेंशन तक जाएगा, लेकिन बाजार यहाँ तक इस स्ट्राइक प्राइस तक नहीं जाएगा। ओके, तो यही कारण है कि बाजार रिवर्स हुआ है। आगे और इसका एनालिसिस करते हैं, और अभी 12:30 बजे के बाद तकरीबन जाते हैं 1 बजे, है ना, 1:30 बजे के आसपास देखते हैं क्या सिनेरियो था। ये जो मैं ऑप्शन चेन पढ़ रहा हूँ ना, ये आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगी कहीं पर भी। आप ऑप्शन चेन का जो रियल डेटा बेचने वाले लोग हैं, वो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं और बहुत सारे आपको बाज़ार में टूल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आपको ऑप्शन चेन का रियल टाइम डेटा मिलेगा। मैंने इन्वेस्टिंग डैडी का ये जो LTP कैलकुलेटर है उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। उसको सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके अपने ट्रेड को आप प्लेस कर सकते हो, है ना, अपने ट्रेड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, आप फाइनल कर सकते हो कि हाँ आपको कौन सा ट्रेड लेना है। तो एक सक्सेसफुल हम ट्रेड ले सकते हैं, है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके। इससे पहले मैं निफ्टी ट्रेडर का डेटा यूज़ करता था, उससे पहले जब सीखा मैंने तो 5-6 महीने तक मैंने ऑप्शन चेन देखी थी, NSE की, जो कि बहुत लेट आती है, मतलब अपडेट होती है 5-7 मिनट के बाद। आपको जैसे बाजार एकदम से ऊपर जाने लगेगा ना, तो ऊपर जाने के बाद आपको ऑप्शन चेन का डेटा अपडेट मिलता है। तो आपको बहुत बार, है ना, मतलब मान लो बाजार 200 पॉइंट ऊपर जाना है ना, तो 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद आपको अपडेट मिलेगा। हो अगर वो 200 पॉइंट जाने वाला है और 100 पॉइंट अपडेट ऊपर जाने के बाद आपको अपडेट मिल गया और वहाँ पर आपने ट्रेड लिया, तो आपको वो इसीलिए सिर्फ फायदेमंद होगा क्योंकि वो 200 पॉइंट ऊपर जा रहा है। अगर मान लो वहीं बाजार 100 पॉइंट से ही नीचे जाने वाला रहेगा, तो आपने यहाँ पर अगर बाय किया तो फंस जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है NSE के ऑप्शन चेन में, क्योंकि लेट अपडेट होने से। निफ्टी ट्रेडर का भी जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उसमें भी क्या है कि हर मिनट में अपडेट होता है, आपको बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन वो क्या है, ये जो कलर के गुच्छे हैं ना, ये एकदम से यहाँ भागेंगे और वहाँ से उठ के यहाँ भागेंगे अगले मिनट में, फिर यहाँ भागेंगे, यहाँ से उठ के यहाँ भागेंगे, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ लेंगे। लेकिन मान लो ये दोनों गुच्छे एक ही लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं, और अचानक से क्या होगा कि यहाँ से ये गुच्छा उठेगा और सपोर्ट खिसक जाएगा नीचे, यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब आपको ये अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि बाज़ार अब गिरने वाला है, और उसको गिरने के लिए आपको देखने के लिए आपको ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, ओपन इंटरेस्ट को मतलब लिखना पड़ेगा। अच्छा, आज अभी इतना इतना ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है, फिर ये इतना हो गया है, 2,50,000 हो गया है, यानी कि ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, यानी कि कम हो रहा है, यानी कि बाज़ार अब ऊपर जाने वाला है। तो पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट 3,18,000 इतना था कितना, अब एकदम से 5 लाख के आसपास चला गया, तो बाज़ार ऊपर जाने वाला है। इस तरह से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा और सही समय पर ट्रेड लेना होता है। लेकिन ये इन्वेस्टिंग डेली का जो कैलकुलेटर है ना, ये आपको एक चीज़ बता देता है। जैसे कि बाज़ार 2:30 बजे के आसपास आया था ना, तो मैंने देखा कि हाँ मुझे लगता है कि 22,100 का मैंने कॉल ख़रीदना चाहिए, तो मैं उस कॉल साइड का जो वॉल्यूम है ना, ये है पुट साइड है और ये है कॉल साइड, ठीक है। ये कॉल साइड का वॉल्यूम का मतलब यह है कि बाज़ार नीचे गिरेगा
और पुट साइड का वॉल्यूम का मतलब है बाजार ऊपर गिरेगा, ये तो आपको पता ही है। तो पुट साइड का जो वॉल्यूम है, तो इस पर क्लिक करने से मुझे क्या है कि कॉल का ट्रेड मिलेगा। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए 22,051 पे आएगा तो मुझे कॉल खरीदना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही ये 22,051 यहाँ पर डालूंगा और यहाँ पर कैलकुलेट करूँगा ना, तो यहाँ पर मुझे 62 बता रहा है, यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है, 62 बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 22,000 का कॉल, ये कितने बजे का चार्ट है और जितने बजे का भी चार्ट है, ये अपडेट, ये मतलब वो नहीं रहता है ना, ये ऑनलाइन मार्केट में ही दिखता है। तो ये अभी खुल गया है कैसे पता नहीं। तो 22,000 का, 22,100 का कॉल जब 62 रुपीज़ में आ जाएगा, तब आप इसे खरीदेंगे और वापस वो फिर 100 से ऊपर चला जाएगा, 115, 130 ऐसा था। मैं आपको 22,000 का कॉल दिखा देता हूँ ना, यहाँ पर 22,100 का ये कॉल है और ये डेटा है और ये यहाँ पर ये ऊपर गया है। उन्होंने कहा कि ये भाई 62 में आएगा तो आप खरीदेंगे, लेकिन ये एक्चुअली में 62 में नहीं आया, 73 से रिटर्न चला गया था ये। या वो भी वो आया था तकरीबन 1:30 बजे के आसपास, है ना, 1:30 बजे के आसपास 73 या 72 आया था, क्योंकि मैं दिन भर से ट्रैक कर रहा था। तो यहाँ पर आप राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ, यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए 73 ऐसे कुछ दिख रहा है आपको, है ना। तो ये 73 आया था, लेकिन 2:30 बजे के आसपास ये मुझे बता रहा था 62 आएगा। तो मैं इंतज़ार ही 62 का कर रहा था, बल्कि उससे भी बहुत नीचे का इंतज़ार कर रहा था। इसीलिए मैं आपको वो बता रहा हूँ कि वो जो लाइन उसमें थी, उस लाइन का मैं इंतज़ार कर रहा था। उस लाइन का इंतज़ार करने का मतलब यह है कि 22,100 का कॉल 62 पे आएगा, और 62 पे आने के बाद देखिए वो कितना जाएगा। उन्होंने टारगेट भी बताया था 118 ऐसा कुछ, लेकिन ये गया 130। तो इतना बड़ा प्रॉफिट मुझे मिल सकता था। तो कहने का मतलब ये, और ये मोमेंट क्यों आ गई मैं बता देता हूँ, 3 बजे के आसपास, है ना। ये तो 3 बजे के आसपास ये मोमेंट कैसे आ गई, अब हम उसी पे बात करेंगे। पहले मैं इस चार्ट को ओपन करके रख देता हूँ। ये वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लंबी, आधे घंटे तक की तो वीडियो हो ही सकती, इतनी उम्मीद आप रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ पाना है ना, तो खुद भी पढ़ाई करनी पड़ेगी और दूसरे की पढ़ाई को रीड करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम जो बात कर रहे थे वीडियो के स्टार्टिंग में कि 2 बजे के आसपास से हम इसे अभी ट्रैक करेंगे, क्लोजली ट्रैक करेंगे कि यहाँ पर ऐसा कौन सा चेंज आ गया ऑप्शन चेन में कि बाज़ार ऊपर चला गया। ठीक है, याद रखिए इस वीडियो में हम ये बात कर रहे हैं कि दिन भर बाज़ार रेंज बाउंड था, बाज़ार में कोई भी दिशा नहीं थी, लेकिन हमको उस पॉइंट का इंतज़ार करना है ऑप्शन चेन में जो बाज़ार एक दिशा पकड़ेगा, चाहे नीचे वाली चाहे फिर ऊपर वाली। ठीक है, वो आपको उस समय की ऑप्शन चेन बताएगी, क्योंकि वहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज होगा, बाज़ार विक टू स्टॉप होगा, विक टू बॉटम होगा। तो अपने आप आपको प्रैक्टिस करने से पता चलेगा कि बाज़ार ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ज़्यादातर बाज़ार अगर रेंज बाउंड होता है तो लास्ट लास्ट में या तो बाज़ार गिरने लगता है या फिर ऊपर जाने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बाज़ार गिरने लगा तो आपको पुट खरीदने से प्रॉफिट होगा, जैसे कि ये कॉल है, और बाज़ार ऊपर जाने लगेगा तो आपको कॉल खरीदने से प्रॉफिट होगा, है ना, कॉल खरीदने से प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से ये निफ्टी 50 का चार्ट होने के कारण क्या है कि बाज़ार ऊपर जा रहा था, और रेंज बाउंड होने के बाद जब ये रेंज बाउंड का सिनेरियो ख़त्म हो गया और बाज़ार ऊपर जाने की तैयारी हो रही थी, तो वहाँ पर कॉल खरीदना चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, आप बाज़ार गिरा हुआ रहता है ना, गिरा हुआ रहता है, और लास्ट लास्ट में लोग, बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं कि लास्ट में बाज़ार गिर तो गया है लेकिन लास्ट मोमेंट में बाज़ार ऊपर जाएगा, तो कॉल लेके खरीद के बैठ जाते हैं। जैसे कि हम भी बैठे बैठे रहते थे बिल्ली की तरह आँख बंद करके, बाज़ार नीचे चला गया, मतलब काफ़ी नीचे चला गया बाज़ार, ऐसे यहाँ नीचे चला गया और बाज़ार अभी ख़त्म होने वाला है। ये 3 बज गया है, यहाँ पर 3 बज गया है, बाज़ार बंद होने वाला है, और हम यहाँ पर उम्मीद रखे ये चलते थे कि हाँ यहाँ से बाज़ार ऊपर चला जाएगा और कॉल खरीद लेंगे लास्ट लास्ट में। लेकिन लास्ट लास्ट में इतनी बेकार कंडीशन हो जाती है, ये नीचे गिरता हुआ बाज़ार अगर ऑप्शन चेन अगर आप नहीं देखेंगे ना, ऑप्शन चेन नहीं देखेंगे तो ये वीक टूअर्स बॉटम हो जाता है लास्ट लास्ट में, और ज़्यादा वीक टूअर्स बॉटम हो जाता है और बहुत तेज़ी से गिरने लगता है। ऐसे में जो कॉल की कीमत है ना, वो तो भाई साहब, मैं बैंक निफ्टी में फंसा तो नहीं था लेकिन मैंने देखा था, मैं जल्दी निकल गया था। 200 रुपये का कॉल 56 रुपये पे आ गया था, इसके पहले वाली वीडियो में ही है। बताओ, लास्ट लास्ट में ऐसा भी गिरता है बाज़ार, और ऐसे गिरते हुए बाज़ार में अगर आप कॉल लेके फंस जाएंगे तो पूरे महीने, 2 महीने, 6 महीने का, पूरे ज़िंदगी का कैपिटल भी तबाह हो सकता है। इसीलिए रेंज बाउंड बाज़ार में ना कभी भी कोई भी साइड में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, कोई नहीं, कॉल भी नहीं लेना है मुझे। रेंज बाउंड अगर चल रहा है तो रेंज बाउंड चलने दीजिए, कोई बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। वो रेंज बाउंड का मतलब बहुत डेंजर, रेंज बाउंड जब ख़त्म होने लगेगा तो कोई ना कोई एक डायरेक्शन पकड़ ही लेगा बाज़ार, तो उस डायरेक्शन को हम पहले ही पकड़ लेते। तो इस आधे घंटे में है ना, इस समय में, इस आधे घंटे में वो डायरेक्शन
का ही हमको पता लगने वाला है अभी, ठीक है। तो यही है इस वीडियो का मेन सार। तो देखिए 2 बजे के बाद हम देखेंगे। अभी यहाँ पर आ गए, अभी ये है 1:30 बजे, इसको मैं सीधा 2 बजे कर लेता हूँ। 2:30 बजे देखेंगे हम, 2:30 बजे क्या हुआ। एक्चुअली ब्रेकआउट 3 बजे आया था, लेकिन हम 2:30 बजे से देखना शुरू करेंगे। यहाँ पर 2:30 बजे हुआ क्या, 2:30 बजे तक बाजार वीक टूवर्स बॉटम था, सपोर्ट अपने यहाँ पर 22,200 पे था, है ना। सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रांग था 22,200 पे। अब यहाँ से सपोर्ट भी नीचे चला गया है, सपोर्ट भी ये नीचे कब चला गया है, 1:30 या 2 बजे के आसपास चला गया होगा, हमें इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये सपोर्ट भी काफ़ी आधे घंटे से यहाँ होगा 22,100 पे, ठीक है। 22,100 पे होने से बाज़ार क्या है, इसके एक्सटेंशन तक अब जाने की ताकत रखेगा। कहाँ जाएगा, 22,087, जो हमको सुबह भी ये वैल्यू मिली थी जब सपोर्ट यहाँ पर था, यहाँ पर था तब भी हमको वही वैल्यू मिली थी। तो 22,087 अब में बाज़ार जाएगा और वहाँ से रिवर्स होगा। लेकिन अब एक चीज़ है कि ये जो पीला वाला जो कलर है, ये सुबह तक हमको यहाँ था, नीचे की साइड में था, अब ये ऊपर की साइड में हो गया है। और ये वॉल्यूम साइड का शायद ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं, ख़त्म हुआ क्या। हाँ ख़त्म हुआ है, वॉल्यूम साइड का जो पीला कलर है वो ख़त्म हो गया, मतलब वॉल्यूम एक जगह पे अब स्ट्रांग हो गया है, यहीं पर स्ट्रांग हो गया है वॉल्यूम 22,100 पे। सुबह से वो ये वीक टूवर्स बॉटम था, लेकिन अब ये स्ट्रांग होने वाला है 22,100 पे। यानी कि ये स्ट्रांग होने वाले का मतलब ये है कि बाज़ार हल्का पुल्का ऊपर जा सकता है, अभी हमको 2:20 में ये पता चला है। और ये भी वीक टूवर्स बॉटम टॉप हो गया है यहाँ का। और ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हैं, तो यहाँ पर हमको कॉल साइड में क्या दिखता है, कॉल साइड में भी हमको ठीक इसी टाइम पे रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है 22,200 पे, लेकिन ये वीक टूवर्स बॉटम है। जैसा कि सुबह हमने देखा था, यहाँ पर सपोर्ट स्ट्रांग तो था लेकिन वीक टूवर्स बॉटम था, इसलिए बाज़ार इससे नीचे ज़्यादा तो गिरेगा नहीं, लेकिन वीक टूवर्स बॉटम होने के कारण थोड़ा बड़ा गिर सकता है। तो वैसे ही अब यहाँ पर सपोर्ट मान लीजिए स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन ये वीक टूवर्स टॉप होने के कारण, सपोर्ट वीक टूवर्स टॉप नहीं, वॉल्यूम अपने अपनी जगह पे स्ट्रांग है वैसे ओपन ही अपना सपोर्ट, लेकिन वीक टूवर्स टॉप है क्योंकि ओआई वीक टूवर्स टॉप है, जिसके कारण कॉल साइड का भी वॉल्यूम ओआई वीक टूवर्स टॉप होने से क्या है कि दोनों ऊपर की तरफ अपने आप को खींचेंगे, इसलिए बाज़ार ऊपर जाने की थोड़ी सी क्षमता अभी रख सकता है। लेकिन आगे हमको पता चलेगा, 2:20 हो गया है, अभी हम क्या करेंगे, 2:30 बजे देखेंगे, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी हम जाएंगे। 2:30 बजे देखिए, यहाँ पर सिचुएशन वही है, सिचुएशन वही बनी हुई है, यहाँ पर आधे घंटे या फिर 15-20 मिनट के बाद भी वही कंडीशन बनी हुई है। यानी कि बाज़ार में एक वहाँ पर बिल्डअप हो रहा है, चार्ट पर देखेंगे तो इस एरिया में बिल्डअप हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताना, ये छोटी छोटी कैंडल्स कुछ बयां करती हैं। यहाँ पर देखिए विक्स वाली कैंडल्स बन रही हैं, ये 2:30 बजे के बाद जब बाज़ार नीचे आने लगा तो यहाँ पर कुछ बयानबाजी हो रही है, कैंडल्स कुछ बताना चाह रही हैं। हालांकि यहाँ पर मेरा तो ध्यान नहीं गया, RSI भी कुछ बता रहा था कि मैं ऊपर जा रहा हूँ बाज़ार को लेके, लेकिन मेरा वाकई में इस तरफ ध्यान नहीं गया, मैं इसी को देख रहा था। इस ब्रेकआउट में अगर मैं देखता हूँ, इसी को देख के मैंने पेपर ट्रेड लिया। अगर ये मेरा RSI अगर मेरे दिमाग में बैठा होता ना, हालांकि RSI का बहुत अच्छा ब्रेकआउट था, यहाँ पर मैं आराम से एक ट्रेड ले सकता था। और ये बनता था ट्रेड यहाँ पर इस ग्रीन वाली कैंडल पे, जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, ये वाली कैंडल पे। लेकिन चलो, मेरा इस पे ध्यान नहीं था, इस RSI पे ध्यान नहीं था, सिर्फ इसी पे ध्यान था। तो यहाँ पर ये कैंडल बोल रही है कि भाई बाज़ार क्या है, वीक टूवर्स स्टॉप है दोनों साइड में, सपोर्ट साइड में भी और रेजिस्टेंस साइड में भी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर, ऑप्शन चेन में। यहाँ पर अभी हमको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमको RSI भी बता रहा है और ऑप्शन चेन भी बता रही है। अभी हम 2:55 पे चलते हैं, 3 बजे ब्रेकआउट आने वाला था और अगला आधा घंटा फिर बाज़ार में क्या है कि रिकवरी का रहा था, जो दिन भर की गिरावट थी उसको रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर देखिए, ये जो थोड़ा थोड़ा पीला कलर था ना, ये अब ज़्यादा पीला हो गया है, 95% स्ट्रांग हो गया है वीक टूवर्ड्स टॉप। ओके, सपोर्ट यहाँ पर, रेजिस्टेंस यहाँ पर मजबूत हुआ है, और मजबूत होने के लिए वॉल्यूम स्ट्रांग का मतलब क्या है कि यहाँ पर सब रेजिस्टेंस मजबूत है और ये वीक टूवर्ड्स टॉप है, बाज़ार ऊपर जाने के संकेत दे रहा है। और यहाँ पर वॉल्यूम स्ट्रांग है, अब वॉल्यूम भी WTT हो गया है। 2:00 कितने मिनट का चार्ट है ये, 2:55 में कह रहा है कि वॉल्यूम भी WTB भी है, और यहाँ पर OI तो पहले से ही WTB था, और इनका जो कलर है ना पीला वाला, और गहरा हो गया है, तो ये भी दे रहा है संकेत कि बाज़ार यहाँ से ऊपर अब जा सकता है, नहीं जाएगा, अब यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अब हमको ये अंदाज़ा लग गया है कि भाई यहाँ से क्या है कि बाज़ार
और यही मैंने कही लाइन, इसीलिए मैंने ये जो लाइन है ये खींच रखी थी कि बाज़ार यहाँ आएगा तो वो जो 22,100 का जो कॉल है वो जब 62 होगा तो मैं इसे बाय करूँगा, लेकिन वो 62 नहीं आया था और वो शायद यहीं से घूम के वापस चला गया, वो पता नहीं कितना था, मेरे ख्याल से 73 से गया, ना 73 नहीं, 84 से, 84 से घुमा। तो 84 से अगर मैं 1,000 क्वांटिटी मैंने लिया था ऑप्शन चेन उसमें 22,100 के कॉल की, तो 1,000 क्वांटिटी में देखिए 84 से ये 130 गया था, मतलब 30 रुपीज़ वो 30,000 वो, और प्लस 84 मतलब 26 वो 30 और 20 50 56,000 रुपये का, 56,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता था अगर वो मैं 84 में भी लेता तो 56,000 का प्रॉफिट यहाँ से। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं है, इतनी 50,000 मतलब ये 50% प्रॉफिट मिलता अगर आप जितना कैपिटल लगा दें। मैंने 1,000 क्वांटिटी वो रखी थी मैंने अपने पास में ना, 1,000 क्वांटिटी पेपर ट्रेड, मैंने हालांकि 2% लेके निकल गया था मैं पेपर ट्रेड में भी, पेपर ट्रेड में भी इतने में ही निकल गया था। अब हमको पता चला ना कि भाई सपोर्ट साइड पहले दिन भर से कम थी, कमज़ोर थी, और रेजिस्टेंस साइड में जो था वो भी कन्फ्यूजन में थे कि कहाँ पर रेजिस्टेंस है पता नहीं। ऐसे में सपोर्ट मजबूत होने के बाद वीक टूवर्स बॉटम था दिन भर से, लेकिन 2:30 बजे आते आते यहाँ से वो सिनेरियो कट हो गया और सपोर्ट सपोर्ट अपने आप में क्या होने वाला हो रहा था, और स्ट्रांग हो गया था, और स्ट्रांग होने के बाद में लास्ट लास्ट में 3 बजे वो क्या हुआ, WTT हो गया, वीक टूवर्स स्टॉप हो गया, जिस कारण से ये जो खोचपोच हुआ था रेजिस्टेंस सुबह के टाइम पे, वो जिस कारण से क्या हुआ, इसे अपने आप में या तो मजबूत करना पड़ा, स्ट्रांग करना पड़ा रेजिस्टेंस को, और या तो फिर उसको स्ट्रांग वीक टूवर्स स्टॉप करना पड़ा। तो इसने क्या किया, अपने आप को स्ट्रांग भी किया और वीक टूवर्स स्टॉप भी किया, इससे क्या हुआ कि बाज़ार को 3 बजे के बाद में ये ऊपर जाने का मौका मिला और इसीलिए बाज़ार ऊपर गया। ठीक है, तो ये है, मैंने कुछ हद तक जितना मैं मास्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बाज़ार किस तरह से ऊपर जाता है और रेंज बाउंड होने के बाद हमने कौन से समय में इस बाज़ार को इंतज़ार करना चाहिए कि यहाँ से अभी ब्रेकआउट आने वाला है करके, किस समय का हम इंतज़ार कर सकते हैं। दिन भर अगर ब्रेकआउट हो गया है तो ऑप्शन चेन को क्लोजली वॉच करना होगा, क्योंकि ब्रेकआउट में मान लो दिन भर अगर रेंज बाउंड बाज़ार रहा, तो ब्रेकआउट शायद मैंने कहा, तो दिन भर अगर रेंज बाउंड रहता है, दिन भर से रेंज बाउंड रहता है, तो रेंज बाउंड रहने की जो सिचुएशन है वो 2-3 घंटे की हो सकती है। अगर इतने लंबे समय से अगर बाज़ार रेंज बाउंड रहा, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर नहीं बताता हूँ वहाँ बताता हूँ, देखिए यहाँ पर वीक टूवर्ड्स स्टॉप अभी भी है, इसलिए बाज़ार अभी भी ऊपर जा रहा है 3:10-15 पर भी। तो इसका ऑप्शन चेन का हम खेल ख़त्म करते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इस वीडियो का सारांश ये है कि दिन भर अगर बाज़ार रेंज बाउंड रहता है, दिन भर से रेंज बाउंड रहता है तकरीबन 2-3 घंटे से, तो आपको लास्ट लास्ट में 2:30 बजे के बाद में इसको वॉच करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको वॉच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब या इसमें या तो इधर ब्रेकआउट आएगा या तो फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट आएगा, आप ब्रेकडाउन भी बोल सकते हैं। तो उस ब्रेकडाउन पर जाने का जो टाइम है वो आपको नोट करना पड़ेगा ऑप्शन चेन पे, और उसी हिसाब से आपको चार्ट पे ट्रेड लेना होगा। आप उसका अंदाज़ा पहले भी लगा सकते हैं, जैसे दिन भर से रेंज बाउंड हो रहा है तो दिन भर से बाज़ार में क्या हो रहा था, सपोर्ट मजबूत था या फिर रेजिस्टेंस मजबूत था, क्या मजबूत था और क्या कमज़ोर था, बाज़ार की ज़्यादा ज़्यादा चाल किस तरफ थी, ये आपको दिन भर से देखना पड़ेगा, और उसके बाद आपको इस लेवल पे पता चलेगा कि यहाँ से आप क्या होने वाला है, और उसके बाद आपको ऑप्शन चेन एग्जैक्टली बता देगी कि बाज़ार कहाँ जाएगा। ऑप्शन चेन के साथ अगर आपको तड़का और लगाना है तो आप RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और यहाँ से फिर मुझे ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का सिनेरियो का पता लग जाएगा। तो ये है वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।